अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के दौरान मोहम्मद रिजवान के मुतनाज़े आउट पर पीसीबी ने एम्पायरिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक मामला आईसीसी के साथ उठाने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ खेल के 61वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने बॉल पर झुकने की कोशिश की, तहम बॉल ग्लव्स के स्ट्रैप को लगती हुई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई। अपील करने पर ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट करार ना दिया, तहम रिव्यू करने पर थर्ड एम्पायर ने फील्डिंग साइड के हक में जो है वो फैसला सुनाया, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने भी जो है वो हैरत का इजहार किया। मैच के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगु करते हुए टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने भी एम्पायरिंग के फैसलों पर तश्वीश का इजहार किया था। उनका कहना था कि अगर हम पूरे खेल का तजिया करें तो एम्पायर्स के मुतजाद फैसले थे। मेरे ख्याल में इस पर तवज्जा देने की जरूरत है, क्योंकि एक एम्पायर की कॉल का फैसला दूसरी टीम के लिए शिकस्त का सबब भी बन सकता है। मोहम्मद हफीज का कहना था कि मैच के इख्तिताम पर रिजवान से पूछा कि क्या गेंद ग्लव्स पर लगी थी, जिस पर क्रिकेटर ने जवाब दिया कि गेंद मेरे दस्तानों के स्ट्रैप पर लगी थी, बल्कि कोहनी और हथेली के बीच लगी थी। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बोर्ड ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान के मुतनाज़े आउट पर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज से बातचीत की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले को आईसीसी की गवर्निंग बॉडी के साथ जो है वो इस नुक्ते को उठाने पर भी गौर कर रहा है। मेलबर्न टेस्ट में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का आउट सोशल मीडिया पर भी जो है वो जेरे बहस आ चुका है। समाजी रबते की वेबसाइट एक्स पर मेलबर्न टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स पैट कमिंस की गेंद पर मोहम्मद रिजवान के आउट पर सोशल मीडिया पर थर्ड एम्पायर के जो फैसला है उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सारिफिन का कहना है कि रीप्ले में देखा जा सकता है कि स्निकोमीटर और हॉटस्पॉट पर वाजे तौर पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा, तो मोहम्मद रिजवान को आउट क्यों करार दिया गया। ख्याल रहे कि आईसीसी कानून के मुताबिक अगर गेंद बल्लेबाज के दस्ताने को छूती है तो फील्डर के हाथ में जाती है तो उसे आउट करार दिया जाता है। पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। यह थी वो अभी तक की इस मामले पर तफसील। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।